2023 में आपको सफलताएं बुलंदियों पर मिले, आपको आपके हर क्षेत्र में आपको सफलता मिले, हर कार्य आपका होता चला जाए, जो उस परेशानी आपने 2022 में झेली है वो 2023 में ना करनी पड़े, ना झेलनी पड़े, उसके लिए आपको आज में जो सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है ये 16 दिसंबर को होगा और 16 ही दिसंबर जनवरी तक ये सूर्य धनु राशि में रहने वाले हैं। धनु राशि गुरु की राशि है, काल पुरुषी कुंडली में ये भाग्य भाव में आती है और सूर्य का भाग्य भाव में आना, साथ में बुध और शुक्र का होना, ये चार राशि वालों के लिए जैसे लॉटरी लगने वाली है, उनका भाग्य का सितारा उनके लिए चरम पर होगा। तो क्या बाकी की राशियों को नहीं मिलेगा भाग्य का साथ? अगर आप चाहते हैं 2023 में आपको भाग्य का साथ मिलता रहे तो आप ये 2022 से ही शुरू कर दीजिए उपाय। देखेंगे आप कि आपको पूरे वर्ष 2023 में भाग्य का सितारा आपका चमकता रहेगा। हर राशि वाले के हिसाब से मैं उपाय भी देने जा रही हूँ। दोस्तों, सूर्य एकमात्र हमारी जन्म कुंडली के या इस धरा के एक ऐसे ग्रह हैं, अगर वो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर उच्च के होकर बैठे हैं या डिग्री वाइज बहुत अच्छे हैं तो अकेला एक सूर्य ही, भले ही 8 के 8 ग्रह उसके खराब हों, सूर्य उसको इतना आत्मबल प्रदान करते हैं कि वो जीवन में हर तरक्की छू जाता है, ऊंचाइयां और सफलता उसके कदम चूमती हैं। यही सूर्य कमजोर हो जाता है तो सभी क्षेत्रों से उसको असफलता मिलती है, आत्मबल की कमी हो जाती है, निराशा के गर्त में चला जाता है ऐसा व्यक्ति। सिर्फ और सिर्फ उसे ताने और उन्हाने सुनने को मिलते हैं, पिता से भी उसके अच्छे संबंध नहीं रहते हैं। तो 2023 में सफलता के लिए आपको क्या करना चाहिए इस वीडियो में मैं विस्तार से बताने जा रही हूँ। इसके साथ ही डेली के अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली हूँ। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो प्लीज़ धैर्य के साथ में देखिएगा ज़रूर, हो सकता है वो आपके बच्चे हों। जिस राशि के लिए मैं बताऊं या बताऊंगी तो मैं पूरा ही 12 राशि के लिए, उसमें आपके परिवार के सभी सदस्य हो सकते हैं, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके भाई, आपके बहन, तो सबके हिसाब से मैं क्या उपाय बताने जा रही हूं। अगर ये 2022 के शुरू से ही आप कर लेते हैं, लास्ट के हफ्ते ये जो सूर्य राशि परिवर्तन से कर लेते हैं तो सूर्य आपको भाग्य भाव में बैठ कर आपके सितारों को बुलंदी पर ले जाएंगे। दोस्तों, राधे राधे। मैं आपकी अशुदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और कैसे हैं आप सभी? 2023 में आप सभी की सभी इच्छित मनोकामनाएं पूर्ण हों, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूं। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करती हूं। दोस्तों, भाग्य का सितारा हमारा हमेशा चमकता रहे तो हम ईश्वर की आराधना करते हैं। 99% लोग इस संसार में केवल भगवान के डर से आराधना करते हैं, उन्हें लगता है कहीं ईश्वर हमारा, हम पूजा नहीं करें तो कुछ अहित ना कर दे। दोस्तों, ईश्वर हमेशा अपने भक्तों का भला चाहते हैं, अपने हर वो उनके लिए हम संतान हैं। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे का हमेशा भला सोचते हैं, ऐसे ईश्वर भी सोचते हैं, लेकिन हम केवल और केवल संशय करते रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम 99 यानी 99 तक पहुँच कर 100% जैसे ही पार करने वाले होते हैं, यानी सफलता मिलने वाली होती है, हम बैक हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं और फिर हम रोना रोते रहते हैं, ईश्वर ने मेरी सुनी नहीं, भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। इसीलिए हर व्यक्ति को ज्योतिषी उपाय करते रहना चाहिए जो आपको ग्रहों को मजबूत करके भाग्य का साथ दिलाते हैं, ईश्वर की कृपा दिलाते हैं, इसीलिए ज्योतिषी उपाय बने हुए हैं। आइए दोस्तों, शुरू करती हूँ। पहले मैं अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी आपको। 17 दिसंबर 2022 दिन शनिवार, आज का राहु काल है सुबह 9:40 से 10:59 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:56 से 12:37 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों सूर्य को जल अर्पित करना है। अगर आप किसी अन्य धर्म से बिलोंग करते हैं तो सूर्य के सामने खड़े होकर अपनी कोई भी प्रार्थना जो आप अपने ईश्वर की करते हैं वहां खड़े होकर 2 मिनट हाथ जोड़कर आप जरूर कीजिए, या फिर आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे हल्दी डालकर। तो आज आपके लिए सारे ही कार्यों में जो भी आपके कार्य अटक रहे हैं सभी में आपको सफलता मिलेगी। आज का जो जादुई अक्षर है फल वाला फा, इस फा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप उसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेंसिल के फोल्ड करके पर्स के पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। दोस्तों, मैं आपको ऐसे ही सरल और सुगम उपाय देती हूँ जिसमें ना तो अपनी कुंडली देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न आप
इन उपायों को कोई भी व्यक्ति करके अपनी समस्याओं से मैच करके इनसे लाभ प्राप्त कर सकता है। बस चाहिए तो आपकी श्रद्धा और विश्वास। आप श्रद्धा और विश्वास के साथ में कार्य करते जाते हैं, यकीनन आपके कार्य बनते जाते हैं, भाग्य आपका साथ देने लगता है। सूर्य जो कि 16 तारीख को 16 दिसंबर को वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में जा रहे हैं, जो कि गुरु की राशि है। गुरु की राशि में ही इस समय शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। ये तीन ग्रह सूर्य बुध और शुक्र के जो तीन ग्रहों की जो तिगड़ी बनी हुई है, ये सभी राशियों के लिए बहुत अच्छी होने जा रही है। कुछ राशियों के लिए ये थोड़ा नुकसानदेह हो सकती है, तो उसके लिए मैं सभी राशियों के लिए आपको रेमेडी भी देने जा रही हूँ। सो धैर्य के साथ में सुनिएगा और कीजिएगा भी, यकीनन ये आपको इतना लाभ पहुंचाएंगे कि आपने जिनका कल्पना भी नहीं की होगी। बात करूं मेष राशि के लिए, मेष राशि के लिए ये सूर्य आपके भाग्य भाव में जा रहे हैं। इस समय आप किसी भी क्षेत्र में हाथ डाल दीजिए, 2023 आपके लिए सफलताओं का दौर लेकर आएगा। अभी से आप शुरू कीजिए, आपको 2023 में सफलताएं मिलती चली जाएंगी और आप लगातार आपको सफलताओं के चरण छूते चले जाएंगे। जिस क्षेत्र में आप कदम रखेंगे उसमें सफलता मिलेगी आपको, चाहे वो आपका व्यवसाय हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, आपका करियर हो, कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं या विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए भी भाग्य का साथ मिलेगा। साथ में पति पत्नी का रिश्ता भी बहुत अच्छा रहने वाला है। विवाह के संबंध के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। वहाँ भी आपका कुछ ना कुछ ऐसा योग बनेगा, संयोग बनेगा कि आपका विवाह हो जाए। इसके साथ ही आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। बस थोड़ा सा अपनी वाणी पे आपको कंट्रोल रखना है, क्योंकि आपका लग्नेश यानी कि आपका मंगल वाणी भाव पर बैठा है, जो उग्रता की वजह से आपके कार्य बिगाड़ सकता है। अपनी वाणी पर आप कंट्रोल रखेंगे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते रहेंगे, तो आपके लिए ये सफलता आपके लिए 2023 के पहले दिन ही आपको नई गुड न्यूज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। मिलेंगी तो आपको 2022 से ही शुरू हो जाएंगी ये आपको मिलना, लेकिन इनका आपको असर पूरे महीने दिखाई देगा, उसके आगे भी आपको मिलता ही रहेगा, क्योंकि ये सूर्य का राशि परिवर्तन आगे चलकर आपको भाग्य का साथ दिलाता चला जाएगा। आपको नियमित सूर्य को अर्घ देना है तांबे के लोटे से, उसमें डालिए थोड़ी सी रोली और देखिएगा फिर आप ये कैसे सितारे चमकते हैं। और कहीं आप अगर सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो एक 10-12 दाने लाल मिर्ची के बीज के डालिए, देखिएगा कितनी जल्दी आपको सरकारी काम में आ रही सभी अड़चने आपकी दूर हो जाएंगी। बात करूं वृष राशि के लिए, वृष राशि के लिए ये गोचर आपका अष्टम भाव पर हो रहा है। हालांकि अष्टम भाव पर बुध का आना, शुक्र का आना, सूर्य का आना, धन से संबंधित आपका कोई कार्य नहीं अटकेगा। आपको अचानक धन संपत्ति की भी प्राप्ति हो सकती है, धन के नए मार्ग खुल सकते हैं। थोड़ा आपको हाई बीपी की शिकायत हो सकती है, शुगर आपकी बढ़ सकती है, स्किन एलर्जी हो सकती है, तो यह आपको ध्यान देना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है। ये यहाँ पर बैठकर, क्योंकि अष्टम में बैठे हैं तो अष्टम का प्रभाव तो जरूर देंगे। अगर आपको हाई बीपी की शिकायत है या आपको शुगर इत्यादि जैसी समस्या है, तो इसका पूरा आप निदान करके चलिए, दवाइयाँ रेगुलर वे पर लीजिए। अदरवाइज आपको कोई समस्या सामना करना पड़ सकता है, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कामकाज की बात करूं तो यहाँ आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपके हर सोचे कार्य होंगे। पत्नी के साथ में थोड़ी आपकी अनबन हो सकती है, तो पत्नी के साथ में थोड़ा सा, या अपने लव रिलेशन में है थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए हर चीज़ को हमें अपनी सावधानी कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो यही स्थिति इस समय बना रखी है शुक्र ने भी। थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे, ससुराल के साथ में अपने संबंध अच्छे रखिए, थोड़ा सा बोलते समय थोड़ा सा अपनी वाणी पर ध्यान रखेंगे, तो ये आपके लिए सभी तरह से बेहतर हो जाएगा। करना क्या है आपको, आपको सूर्य के जल में हल्दी और रोली डालनी है और इस जल को अर्पित कीजिए सूर्य को। ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करके 108 बार इस जल को अर्पित कीजिए। साथ में अपनी मनोकामना मांगिए कि आपको क्या चाहिए, देखिएगा वो कार्य आपके शीघ्र पूरे हो जाएंगे। बात करूं मिथुन राशि के लिए, तो मिथुन राशि के लिए यहाँ पर आपके सप्तम भाव पर आ रहे हैं सूर्य। यहाँ सूर्य नीच के हो जाने के बाद नीच भंग राजयोग बनाने वाले, क्योंकि बुध भी बैठा हुआ है, शुक्र भी। आपके लिए आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ में आपका अच्छा सामंजस्य बढ़ेगा। आपके अगर आप किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको आप किसी सरकारी कार्य में जा रहे हैं वहाँ आपको सफलता के पूरे योग बने हुए हैं आपके लिए। यहाँ आप बैठकर आपको
हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपकी सफलताओं में चार चांद और लग जाएं, उसके लिए आपको सूर्य को नियमित तांबे के लोटे से सादा जल अर्पित कीजिए। चाहे तो इसमें एक चुटकी आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, अन्यथा आप ऐसे ही जल दीजिए। ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए साथ में गायत्री मंत्र का कम से कम 11 बार जाप कीजिए। माता पिता के अपने चरण जरूर छूइए तो ये सफलता आपके लिए बरकरार रहेगी। बात करूं कर्क राशि के लिए, कर्क राशि के लिए ये गोचर आपका रोग भाव में या छठे भाव में होने जा रहा है, तो शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी। शत्रु आपके विरोधी शांत होंगे। आपका सूर्य आपको आंखों से संबंधित कोई समस्या दे सकता है, हड्डियों से संबंधित कोई समस्या दे सकता है, आपको शुगर जैसी बीमारी हो सकती है। थोड़ा सा अपने खानपान पर ध्यान रखिए, अपनी दवाइयों पर ध्यान रखिए, किसी भी व्यर्थ के झंझट में मत पड़िए, बेवजह ही अपने विरोधियों को मत उकसाइए। कोर्ट के अगर कोई केस चल रहा है उसमें आपको सफलता मिलेगी। जमीन विवाद में है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के आपके लिए मार्ग खुलेंगे। यहाँ सफलता का प्रतिशत आपके लिए 75 और 25 है, तो यानी 75 आपकी सफलता के चांसेस है, 25 आपको नहीं मिल रहा है। इसको आपको बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपको सूर्य को आपको प्रार्थना करनी है। आपको सूर्य के सामने खड़े होकर गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, सादा जल अर्पित कीजिए सूर्य को, और यहीं खड़े होकर आपने अपनी मनोकामना बोलिए और एक फूंक मार दीजिए सूर्य को, जिससे कि वो आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाए। बात करूं सिंह राशि के लिए, सिंह राशि के लिए ये गोचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने जा रहा है। पंचम भाव पर है, यहाँ से आपके लिए संतान के लिए, अगर आप संतान चाहते हैं तो संतान की उत्पत्ति में आपको योग बन रहे हैं। लाभ के रास्ते आपके खुल रहे हैं, आपको चौतरफा लाभ की दृष्टि दिखाई दे रही है आपके लिए। किसी सरकारी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या आपने कहीं इंटरव्यू दिया हुआ, उसमें सफलता के अवसर पूरे 100% आपको मिलने वाले हैं। विदेश से आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। इसके अलावा आपको अपने सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा अपने माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, तो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते रहिए, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको सूर्य को जल चढ़ाना है तांबे के लोटे से सादा जल, आपके लाभ के रास्ते खुलते चले जाएंगे। बात करूं अब मैं कन्या राशि के लिए, कन्या राशि के लिए योग, क्योंकि सूर्य यहाँ से चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, थोड़ा सा आपके घर का वातावरण, जनता से आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ सूर्य और बुध और शुक्र, सूर्य और शुक्र और बुध तो उच्च के हो रहे हैं, सूर्य भी चतुर्थ भाव में आपको जनता से जो लाभ दिलाता है उसमें पूरे मार्ग खोल देता है। तो आपके बॉस से या आपके व्यापार में तो आपको सफलताएं मिलेंगी। थोड़ा घर का वातावरण आपका कलहपूर्ण हो सकता है, माता पिता के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ें हो सकती हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपका अपनी पत्नी के साथ में विवाद ना हो, बच्चों के साथ में विवाद ना हो, तो घर का वातावरण थोड़ा इसको आप संतुलित रखते हैं तो यहाँ आपके लिए कोई समस्या नहीं बनेगी। चाहिए आपको कि आप हल्दी डालकर सूर्य को जल अर्पित करें, पिता को सम्मान दें, पिता के चरण स्पर्श करते रहें, साथ में ही एक तांबे का कढ़ा आप, अगर पुरुष हैं तो सीधे हाथ की कलाई में और महिला हैं तो लेफ्ट हैंड में आप धारण कर लीजिए। सफलताएं आपके पूरे वर्ष भर आपके साथ रहेंगी। बात करूं तुला राशि के लिए, तुला राशि आपके लिए तो ये अवसर बहुत ही लाभदायक होने जा रहा है। आपको यहाँ से सूर्य आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे और जहाँ से आपको वो आप सूर्य शुक्र और बुध की युति, ये तीनों ही कर्म भाव को देख रही होगी, कर्म से सफलताएं मिलना शुरू हो जाएंगी। कर्म आपका साथ देगा और आपके हर कार्य बनते चले जाएंगे, लेकिन कर्म विहीन नहीं बनना है। बैठे बैठे किसी को सफलता नहीं मिलती, प्रयास करने होते हैं और आपके हर प्रयास सफल होते चले जाएंगे। किसी भी क्षेत्र में चाहते हैं, विवाह चाहते हैं, विवाह हो जाएगा, सरकारी क्षेत्र है, व्यापार है, हर क्षेत्र में सफलता है, तो आप इस समय का भरपूर फायदा उठाइए। साथ में सूर्य की आराधना तो कीजिए ही, सूर्य को जल तो जरूर अर्पित कीजिए, साथ में आपको एक केसर का टीका डेली अपने मस्तक पर जरूर लगाना है। माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए, गणेश जी को अर्पित कीजिए, उसके बाद अपने मस्तक पर लगाइए, तो देखेंगे आपको आपके भाग्य का साथ निरंतर मिलना शुरू हो जाएगा। बात करूं वृश्चिक राशि के लिए, तो यहाँ वृश्चिक राशि के लिए भी सफलताओं का दौर शुरू हो चुका है।
आपके धनभाव पर आ चुके हैं ये सारे ग्रह। धनभाव से आपके लिए ये आपके लिए तरक्की के रास्ते खोलेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हो सकता है क्योंकि अष्टम दृष्टि सूर्य की पड़ रही है, तो आपको चोट चपेट की आपके साथ में दुर्घटना हो सकती है या आपको हाई बीपी जैसी शिकायत हो सकती है। तो ध्यान रखिए, थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए, वाणी पर कंट्रोल रखिए, तो ये समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी और सफलता तो आपको चारों तरफा मिलेगी। पैतृक संपत्ति मिल सकती है, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। तो यहाँ आपके लिए सभी तरफ से आपके लाभ के अवसर दिखाई दे रहे हैं। आपको चाहिए सूर्य को तो जल अर्पित करेंगे ही आप रोली हल्दी डालकर। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु भगवान का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप नियमित जाप करिए, एक माला जाप करिए, पूरे वर्ष भर आपको आपके भाग्य का साथ मिलता चला जाएगा। बात करूं धनु राशि की, क्योंकि ये तीनों के तीनों ग्रह धनु राशि में बैठे हैं, सूर्य भी आ गए हैं, शुक्र और बुध पहले से ही विराजमान है। गुरु अभी मीन राशि में स्वराशि के होकर चल रहे हैं। शुक्र हमेशा धनु राशि में बहुत ही अच्छा फल देते हैं। सूर्य यहाँ पर राजा हैं, तो जब राजा का साथ मिलता है तब सारे ही ग्रह आपको अच्छा फल देना शुरू कर जाते हैं। आपके लग्न पर बैठे हैं, थोड़ा सा आप स्वाभिमानी हो सकते हैं, अहंकार आपके अंदर आ सकता है, गुस्सा बढ़ सकता है आपका। इस पर अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं और सोच समझ कर कार्य करते हैं तो सफलताएँ आपके आगे आगे चलेंगी। और यहीं आपने क्रोध किया, अपने गुस्से पर आपने कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि धनु राशि भी अग्नि तत्व राशि है, सूर्य का यहाँ आना तो ये अग्नि तत्व को बढ़ा देगा आपके, जिससे कि आपकी वाणी में कठोरता आ जाएगी और आप लोगों से अपनी वाणी के जरिए अपने काम बिगाड़ेंगे। अदरवाइज तो आपके लिए सफलताएं सभी तरफ से हैं। इस समय का आप भरपूर फायदा उठाइए तो आपके लिए चारों तरफ से आपके मार्ग खुले रहेंगे। एक चोट चपेट का जरूर ध्यान रखिए, तो वाहन धीमी गति से चलाइए। इस महीने एक महीने आप वाहन को धीमी गति से चलाएंगे तो आपको विशेष अवसर प्राप्त होते चले जाएंगे। आपको चाहिए सूर्य को आप नियमित जल चढ़ाएं रोली डालकर। इसके साथ ही आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या फिर ओम हनुमते नमः मंत्र के एक माला नियमित जाप कीजिए। बात करूं मकर राशि के लिए, मकर राशि के लिए ये समय थोड़ा सा आपके लिए असुविधा भरा हुआ है, क्योंकि ये सारे के सारे ग्रह आपके बारहवें घर चले गए हैं। बारहवें में जाकर सूर्य आपका रोग भाव को देखेगा, तो यहाँ से रोग बढ़ने की, शत्रु बढ़ने की आशंका है, आपके कॉन्फिडेंस में कमी आने की आशंका है, कॉन्फिडेंस आपका लूज हो सकता है, आत्मविश्वास की कमी दिखाई दे रही है। हालांकि आपको सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं होगी, सुख सुविधाएं आपको निरंतर मिलती रहेंगी, फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। आपके हर कार्य अटक अटक कर हो रहे हैं या हो ही नहीं रहे, मन में निराशा जैसे भाव रहेंगे। तो यहाँ कार्य में कोई कमी नहीं है, जॉब व्यवसाय में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आपका घर का माहौल थोड़ा सा चिड़चिड़ा रह सकता है, तनावपूर्ण रह सकता है, स्वास्थ्य में गड़बड़ हो सकती है। तो अगर आपको कोई आंखों से संबंधित कोई समस्या है या आपको हड्डियों के रोग चल रहे हैं तो उनका विशेष आप ध्यान रखिए, इलाज करते रहिए। साथ में आपको सूर्य को नियमित जल अर्पित करना है, तांबे के लोटे से कुछ मत डालिए उसके अंदर, तांबे के लोटे से जल अर्पित कीजिए। और साथ में आपको चाहिए शिव आराधना करते जाइए, भोलेनाथ पर जल अर्पित करते रहिए, ये वर्ष आपके लिए सफलता लेकर आएगा और ये सूर्य भी आपको सफलताएँ प्रदान कराएंगे। बात करूँ कुंभ राशि के लिए, तो कुंभ राशि के लिए आपके ये लाभ भाव में आ रहे हैं ग्रह। आपके पास ना भी कुछ हो फिर भी आपके हर कार्य बनना शुरू हो जाएंगे, कोई भी कार्य आप सोचेंगे वो झट से आपके पूरे हो जाएंगे, अटका हुआ धन आपका कहीं फंसा है वो मिल जाएगा आपको। आपको किसी भी क्षेत्र में आपके कार्य अटक रहे हैं, ये समय ऐसा है कि आपके चुटकियों में आपके कार्य पूरे होना शुरू हो जाएंगे, भाग्य आपके आगे आगे चलेगा, तो इस समय का आप भरपूर फायदा उठाइए। आपको चाहिए सूर्य को हल्दी डालकर आप जल चढ़ाएं, साथ में एक तांबे का कढ़ा अपनी कलाई में धारण कर लीजिए। अगेन जैसे पुरुष हैं तो सीधे हाथ में और महिलाएं तो अपने लेफ्ट हैंड में, यहाँ सफलता का स्तर आपका बढ़ता चला जाएगा, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थी हैं, एग्जाम में सफलता मिलेगी, विदेश जाना चाहते हैं विदेश जाने के अवसर आपके खुल जाएंगे। कहने का तात्पर्य हर तरफ से आपके लिए सफलता के मार्ग खुले हुए हैं। बात करूं मीन राशि के लिए, मीन राशि के लिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है दशम, तो आपके लिए ये भाग्य का स्तर बढ़ता चला जाएगा,
हर क्षेत्र में आपको सफलताएं मिलेंगी, देवगुरु की कृपा मिलेगी। सूर्य स्वयं देवगुरु की राशि में ही हैं, तो यहाँ सूर्य और गुरु एक दूसरे के मित्र हैं, तो और आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। आपके हर कार्य सफल होंगे, विदेश जाना चाहते हैं वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। कहने का मतलब है हर क्षेत्र में सफलता है, संतान प्राप्ति है, उसके अवसर आपको मिलेंगे। किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं, वो एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। किसी अन्य क्षेत्र से आप सरकारी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वहाँ सफलता मिल जाएगी। ट्रांसफ़र के योग बन रहे, आपके लिए सभी तरफ से आपको लाभ के रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपको चाहिए कि सूर्य की आराधना तो आपको करनी है हल्दी डालकर जल में, इसके साथ ही विशेष रूप से आपको हनुमान जी की भी आराधना करनी है और हनुमान चालीसा का पाठ आप करते रहिए, तो वर्ष भर आपके लिए ये सफलता के मार्ग खुलते चले जाएंगे। दोस्तों, अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो इस प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 8 नंबर यानी 8 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष भर सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको आगे भी वीडियो मिलते रहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, प्रतिदिन के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आपको मेरा चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, मैं कुंडलियों का विश्लेषण करती हूँ, डेट ऑफ बर्थ और टाइम लेती हूँ आपसे, आपको आपकी समस्याएं, समस्याओं के उपाय और ऐसे सरल उपाय आपको देती हूँ जिन्हें आप घर में रहकर कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के, और आपका भाग्य आपके आगे आगे चलने लगता है। आपकी कोई भी समस्या हो सकती है, विवाह नहीं हो रहा है, संतान गलत संगत में पड़ गई है, या पति शराब बहुत अधिक पी रहे हैं, या पति बहुत अधिक बीमार रहते हैं, आप खुद बीमार रह रही हैं, या परिवार में कोई भी समस्या हो, आपके जीवन में जॉब नहीं मिल रही है, व्यवसाय नहीं चल, कोई भी समस्या, हर समस्या का निदान मैं आपको देती हूँ। साथ में ही मैं जीवन रक्षा कवच, जो कि अगर आप बीमार रहते हैं या बार बार चोट चपेट लग रही है या एक्सीडेंट वगैरह आपके बहुत हो रहे हैं, मार्केश की दशाएं चल रही हैं, तब आपको इसको जरूर धारण करना चाहिए। शुक्र आपका कमजोर है, वैभव नहीं है आपके जीवन में, पति पत्नी में सामंजस्य नहीं है, या शुक्र की महादशा चल रही है, तब आपको शुक्र यंत्र धारण करना चाहिए। भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, तब आपको भाग्य का साथ मिले आपको, इसके लिए आपको भीसा यंत्र धारण करना चाहिए। तो इसकी डिटेल भी आपको मेरे इस नंबर पर ही मिलेगी, कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा आपको आपके जीवन में सफलताएं आपके चरण चूमें। मेरे वीडियोस देख रहे हैं और करते रहिए दोस्तों, तो आप, मैं निश्चित ही विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ आपको इनसे लाभ जरूर मिल रहा होगा। मिल रहा है तो कमेंट में आकर जरूर लिखिएगा। मैं कल फिर मिलूंगी 2023 के ऊपर ही लेकर, आपको सफलताएं कैसे मिले, क्या करना चाहिए, विशेष उपाय लेकर। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी आपसे।